बरेली में गोकशी की घटनाओं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए और भी ज़्यादा सख्ती शुरू कर दी है। तीनों तस्कर गाय को खींचकर जंगल की ओर ले जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने एक तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। थाना भीतरी चैनपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में गौकशी को रोकने और उसको नियंत्रण करने के लिए प्रभावी फुट पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त की जा रही थी, तो तकरीबन सुबह 4:30 बजे पूर्णापुर मोड़ पर तीन व्यक्ति जो कि एक गाय को खींच कर ले जा रहे थे, उनको जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने भागने का प्रयास किया और जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर किया। तो आपको बता दें कि बरेली में गोकशी की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, और इन्हीं घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने आपको बता दें कि सख्ती से अभियान शुरू कर दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शशांक जुड़ चुके हैं। शशांक, अगर बात करें तो बरेली में आए दिन गोकशी की घटनाएं सामने आती रहती है, और इन्हीं घटनाओं की रोकथाम के लिए हमने देखा कि पुलिस ने सख्ती से अभियान जो है वो चलाया है, और इसी अभियान की सफलता के स्वरूप हमने देखा है कि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। क्या पूरा मामला है, फिलहाल पुलिस को किस तरह ये कामयाबी मिली? उदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, बरेली में गौकशी की घटनाओं को रोकने के लिए अब पुलिस और भी ज्यादा सख्ती शुरू कर दी है। सुबह तड़के पुलिस ने एक तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जबकि उसके दो अन्य साथियों को अंधेरे का फायदा उठाकर वो फरार हो गए। जी शशांक, अगर बात करें तो फिलहाल जिन्हें लोगों को गिरफ्तार किया है उनके संबंध क्या अन्य लोगों से भी, अन्य राज्यों से भी, क्योंकि अगर बात करें तो क्या ये उसी क्षेत्र के व्यक्ति हैं या इनका संबंध जो है वो अलग राज्यों से भी है? जो तस्करों में से सिर्फ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, बाकी दो लोग वहां से फरार हो गए थे। और ये घटना सुबह करीब 4 बजे की है, और भीतरी पुलिस ने गश्त के दौरान मोड़ पर तीन युवकों को, एक गौवंश को, जबरन जंगल की ओर ले जाते हुए दिखाई दिया, तो पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। जी शशांक, धन्यवाद आपके इस पर अधिक जानकारी के लिए।